नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस भर्ती की हम बात करने वाले हैं वो है एयर इंडिया में निकली हुई जॉब की। तो दोस्तों इस भर्ती की पूरी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है 10वीं पास, 12वीं पास, ITI पास और डिप्लोमा पास, और अगर आप डिग्री भी है आपके पास में तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात है यहां पर नो एग्जाम, कोई परीक्षा नहीं है, बिना परीक्षा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां पर मेल और फीमेल, लड़के लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो यहां पर जो 18 से अगर 35 साल आपकी एज लिमिट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों अब आप सरकारी नौकरी की अपडेट आपके मोबाइल पर भी पा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा हमारी एप्लीकेशन को, नियो वर्ल्ड टेक आपको नाम सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा सरकारी नौकरी फ्री गवर्नमेंट जॉब, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, जब भी कोई हम अपडेट डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एयर इंडिया में वरियस कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए सिर्फ सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। जी हां दोस्तों, कोई भी आपको आवेदन नहीं करना, ना कोई आपको एग्जाम देना है, ठीक है। यहां पर टोटल वैकेंसी है 165 पदों पर। और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड की बात करते हैं तो आपको ऑफलाइन ही पेमेंट करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डीडी ही आपको बैंक से बनवा करके यहां पर सबमिट करना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और ओबीसी के लिए 31 साल है, एससी एसटी के लिए 33 साल है। और यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है, जैसे कि सीरियल नंबर 2 के लिए 30 साल है, और सीरियल नंबर 2 के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपको यहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वहां पर अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पोस्ट वाइज यहां पर दी गई है। और आयु सीमा में छूट जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी गई है, जो कि एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया यहां पर 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा डिग्री अगर आप पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर सिर्फ सीधा आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पर आपका जो इंटरव्यू है 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में चलेगा, तब आप जाकर के आपका इंटरव्यू दे सकते हैं। और नोटिफिकेशन का लिंक, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरी भर्ती की जानकारी देख सकते हैं और आप इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे, जो जानकारी मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दी है वो आपको जानकारी नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस भर्ती की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।